आप देखेंगे एक जहां पर मैं खड़ा हूं धनारी गार्ड और अपनी मुहिम को एक और कड़ी में आगे बढ़ाते हुए सरकारी भवनों भवन खंडर होते हुए हालात पर एक खास रिपोर्ट। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिस है, धनारी क्षेत्र का विद्युत विभाग वालों का ऑफिस है और बिल्कुल उसी के बगल में एक बिल्डिंग मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बिल्कुल एक खंडर होती हुई बिल्डिंग, चादर ऊपर की तरफ बिल्कुल चादर जो लग रहा है कि मानो दिनों दिन ये चादर गायब होती जा रही हैं, बिल्डिंग बनी हुई है और आप देखेंगे इस बिल्डिंग के भी खंडर होते हालत, चारों तरफ झाड़ियां हैं, बिल्डिंग बनी हुई है और आप देखेंगे ये बताया जाता है कि ये बिल्डिंग निगम की है। कब तक इस तरीके से सरकार का पैसे का मिसयूज होता रहेगा? बिल्कुल देखते हैं, यहां पर पूछ के कुछ लोग हमें मिलते हैं, पूछते हैं इस बिल्डिंग के बारे में ये क्या है और क्या है ये। यस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बिल्डिंग के बारे में क्या जानते हैं सर आप? ये एक्चुअली यहाँ पर जब डैम बना था, मैंने रिभाली परियोजना जो बनी थी, तो इसके लिए जो है उन अपने एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने ये बिल्डिंग को बनाया गया था यहाँ पर, और आज जो है उनके यहाँ पर जो पावर हाउस है, पावर हाउस से यहाँ पर जो है डैम के लिए जब वहाँ से डैम के लिए यहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है, तो आज जो है वो तो डैम पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है, लेकिन इन बिल्डिंगों की स्थिति ऐसी हो चुकी है। ये कब से ऐसी खंडर बनी पड़ी है, कब बन रही दिनों दिन? अभी तो लग रही है। जैसे जैसे डैम खत्म हो गया था तब से ये खंडर पड़ी। क्या सरकार ने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया? और इसे इस्तेमाल क्या होना था कि इसकी जो है आज भी ये चादरें जो है एक एक करके जो है यहाँ पर से गायब हो चुकी है। इसकी क्या अपनी कॉलोनी है क्या? अभी कॉलोनिया इसके ऊपर भी एक कॉलोनी है, काफी अच्छा, बड़ी कॉलोनी। वहाँ रहते हैं लोग? हाँ, वहाँ भी रहते हैं एम्प्लॉय। हाँ, एम्प्लॉय रहते थे। किसके एम्प्लॉय हैं? ये सब कॉर्पोरेशन के हैं। राइट, अभी रहते हैं, इसी रहते हैं और यहाँ पर उनके सारे एम्प्लॉयज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहना है कि ये बिल्डिंग भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। आप देख रहे दिनों दिन खंडर होती जा रही है बिल्डिंग और उम्मीद करेंगे कि सरकार कुछ एक ऐसा प्लान करेंगे हमारा प्रशासन कि जहां भी इस टाइप की बिल्डिंग है उनके बारे में उनको सही इस्तेमाल हो सके, सरकार का पैसे का मिसयूज ना हो और बिल्डिंगों का सही इस्तेमाल हो, एम्प्लॉय रह सकें। एसपाल बिस्ट कैमरामैन के साथ महेश बोगणा, धनारी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड से।